दुनिया भर के फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स शुक्रवार रात को करीब 42 मिनट तक इन सोशल साइट्स को इस्तेमाल नहीं कर सके। फेसबुक की मैसेंजर सर्विस को भी लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। यह समस्या शुक्रवार की रात को 11:05 को शुरू हुई और रात करीब 11:47 बजे तक बनी रही। मैं आपको बता दूं कि आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि WhatsApp, Instagram, Facebook क्यों डाउन हुआ, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि सर्वर क्या होता है और वो क्यों डाउन होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ और ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये डाउन क्यों हुआ है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में कुछ यूजर्स के फेसबुक ऐप ने रात 11:42 बजे काम करना शुरू किया था। इसके बाद भी कई यूजर्स को मैसेज भेजने में परेशानी हुई। व्हाट्सएप ने देर रात सर्विस शुरू होने की जानकारी दी, साथ ही यूजर्स का धन्यवाद भी दिया। तीनों प्लेटफॉर्म के डाउन होने की समस्या एंड्रॉइड, iOS और PC सभी पर दिखाई दी। एक और जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स न्यूज फीड को अपडेट नहीं कर सके, तो वहीं व्हाट्सएप यूजर्स कोई भी मैसेज नहीं भेज पाए। हालांकि इन तीनों की सेवाएं किस वजह से ठप हुई इसका पता नहीं चल पाया। उधर फेसबुक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यूजर्स से किसी भी तरह की परेशानी को रिपोर्ट करने की अपील की। इंस्टाग्राम पर 67% लोग अपनी फीड को रिप्रेस नहीं कर पा रहे थे। वहीं 19% लोगों ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाने की बात कही। बाकी के 13% लोगों की शिकायत थी कि instagram.com अनरिस्पॉन्सिव मैसेज दे रहा था। व्हाट्सएप यूजर्स की शिकायत थी कि वे किसी भी तरह का मैसेज न तो भेज पा रहे और न ही उन्हें मैसेज मिल रहे थे। फेसबुक यूजर्स की शिकायत थी कि फेसबुक वेबसाइट पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गई है, साथ ही इसका मोबाइल ऐप भी ब्लैकआउट दिख रहा था। डाउन डायरेक्टर के मुताबिक करीब 38,000 लोगों ने व्हाट्सएप के साथ समस्या की जानकारी दी। इंस्टाग्राम के साथ 30,000 लोगों ने और फेसबुक के साथ 1,600 लोगों ने अब तक इस मुद्दे को उठाया है। यह यूजर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हैं। भारत की बात की जाए तो लोगों ने दूसरी सोशल मीडिया साइट पर इस समस्या के बारे में बताया। इससे पहले पिछले महीने 19 फरवरी को इसी तरह की दिक्कतें इन प्लेटफॉर्म में सामने आई थी। उस दिन सुबह 7:55 बजे सर्विसेज बंद हो गई थी। हालांकि बाद में सर्विस फिर से चालू हो गई थी। आज की घटना के बाद ढेर सारे मीम्स भी सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। अब ये सब जानकारी के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर्स क्या होते हैं और वह डाउन क्यों होते हैं। नेटवर्किंग में सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, जिसका काम डेटा स्टोर करना और नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जब क्लाइंट को किसी प्रकार की जानकारी या डेटा की जरूरत होती है, तो वह उससे संबंधित सर्वर से संपर्क स्थापित करके उसे उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट मिलते ही सर्वर कुछ जरूरी प्रोसेस करने के बाद क्लाइंट को जवाब में वह डेटा भेज देता है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्वर का मतलब समझने के लिए कुछ मुख्य बातें। सर्वर का मतलब किसी हार्डवेयर से भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर से भी, या दोनों भी हो सकते हैं। सर्वर के लिए हार्डवेयर की बात करें तो एक पावरप्रूफ प्रोसेसर और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क सबसे मुख्य भाग होते हैं। वहीं सर्वर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सर्वर्स के हार्डवेयर का सही तरीके से उपयोग करके अलग अलग प्रकार के फंक्शंस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्वर अधिकतर डेडिकेटेड होते हैं, यानी कि 24 घंटे हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं और अधिकतर सिर्फ सर्वर का ही काम करते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम से कोई भी दूसरा काम नहीं लिया जाता। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसे भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के सर्वर को नॉन डेडिकेटेड सर्वर कहेंगे, क्योंकि ये बिना बंद हुए लगातार 24 घंटे काम नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ही आप सर्वर के थोड़े बहुत काम भी जान लीजिए। क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सर्वर का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी सर्वर लिया जाता है। डेटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए भी सर्वर का उपयोग किया जाता है। वेबसाइट होस्टिंग के लिए भी सर्वर की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए भी सर्वर चाहिए होता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी सर्वर बहुत जरूरी है। बैंक में कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के लिए सर्वर बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर डाउन क्यों होते हैं और इसके कारण क्या है।
जब हम किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्शन स्थापित करता है। इसके बाद सर्वर उस वेबसाइट की जानकारी हमें भेजता है। लेकिन किसी कारणवश यदि यह कनेक्शन टूट जाए और सर्वर से कोई रिस्पॉन्स न मिले या सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसे एरर दिखाई दे, तो यह मान लिया जाता है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन या सर्वर फेल है। किसी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सर्वर डाउन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक बढ़ जाना। अगर उस वेबसाइट को एक ही समय पर बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हो तो यह संख्या सर्वर की कैपेसिटी से अधिक हो जाए तो सर्वर क्रैश या डाउन हो जाता है। पावर सप्लाई की समस्या। सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जो बिजली से चलता है। यदि बिजली चली जाए तो सर्वर फेल हो जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम। सर्वर को भी लगातार काम करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यदि नेटवर्क फेल हो जाए तो सर्वर काम नहीं करेगा। वायरस अटैक। जैसा कि आपको पता है, वायरस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। यदि सर्वर के सिस्टम में वायरस आ जाए तो वह भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सर्वर पर अटैक होने से भी सर्वर फेल हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश होना। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सर्वर्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। सर्वर्स के अपने OS होते हैं और यदि उसमें कोई समस्या आ जाए तो पूरा सर्वर का काम रुक जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज समझ आ गया होगा कि सर्वर्स डाउन क्यों होते हैं और इसके कारण क्या है। अगर आप सर्वर्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सर्वर्स पर पूरी डिटेल्स आपको समझा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।